नमस्कार, आपको हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी नियमित व सबसे पहले मिलती रहे, इसके लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। हर दिन पावन की इस श्रृंखला में आज 7 जनवरी को आइए हम याद करते हैं महिदपुर के सेनानी अमीन सदाशिवराव जी को। 1857 का स्वाधीनता संग्राम भले ही सफल न हुआ हो, पर उसने सिद्ध कर दिया कि देश का कोई ऐसा भाग नहीं है जहां स्वतंत्रता की अभिलाषा न हो तथा लोग स्वाधीनता के लिए मर मिटने को तैयार न हो। मध्य प्रदेश में इंदौर और उसके आसपास के क्षेत्र को मालवा कहा जाता है। 1857 में यह पूरा क्षेत्र अंग्रेजों के विरुद्ध दहक रहा था। यहां का महिदपुर सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था, इसलिए अंग्रेजों ने यहाँ छावनी की स्थापना की थी, जिसे यूनाइटेड मालवा कंटिंजेंट महिदपुर हेडक्वार्टर्स कहा जाता था। इंदौर में नागरिकों ने जुलाई 1857 में जैसा उत्साह दिखाया था, उसका प्रभाव महिदपुर छावनी के सैनिकों पर भी साफ दिखाई देता था। वे एकांत में इस बारे में उग्र बातें करते रहते थे। यह देखकर अंग्रेजों ने बड़े अधिकारियों तथा अपने खास चमचों को सावधान कर दिया था। छावनी में भारतीय सैनिकों के कमांडर शेख रहमतुल्ला तथा उज्जैन स्थित सिंधिया के सरसूबा आपतिया की सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ थी। महिदपुर के अमीन सदाशिवराव की भूमिका भी इस बारे में उल्लेखनीय है। उन्होंने क्रांति के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती की तथा उन्हें हर प्रकार का सहयोग दिया। अंग्रेज चौकन्ने तो थे, पर उन्हें यह अनुमान नहीं था कि अंदर ही अंदर इतना भीषण लावा खोल रहा है। 8 नवंबर 1857 को निर्धारित योजना अनुसार प्रातः 7:30 बजे 2000 क्रांतिकारियों ने एरा सिंह के नेतृत्व में मारो काटो का उद्घोष करते हुए महिदपुर छावनी पर हमला बोल दिया। इन सशस्त्र क्रांति वीरों ने उज्जैन व खाचरोद की ओर से आए मेवाती सैनिकों के साथ ही महिदपुर के नागरिक भी शामिल थे। यह देखकर छावनी में तैनात देश प्रेमी सैनिक भी उनके साथ मिल गए। अंग्रेज अधिकारी सावधान तो थे ही, अतः भीषण युद्ध छिड़ गया, पर भारतीय सैनिकों का उत्साह अंग्रेजों पर भारी पड़ रहा था। कई घंटों के संग्राम में डॉक्टर कैरी, लेफ्टिनेंट मिल्स, सार्जेंट मेजर ओकॉनल तथा मानसन मारे गए। मेजर टिमनेस की पत्नी को उसके दर्जी ने अपनी झोपड़ी में छिपा लिया, इससे उनकी जान बच गई। इस युद्ध में भारतीय वीरों का पलड़ा भारी रहा। जो अंग्रेज अधिकारी बच गए, उन्हें इंदौर के महाराजा तुकोजीराव होलकर ने शरण देकर उनके भोजन तथा कपड़ों की व्यवस्था की। परंतु संगठन एवं कुशल नेतृत्व के अभाव, अधूरी योजना तथा समय से पूर्व ही विस्फोट हो जाने के कारण 1857 का यह स्वाधीनता संग्राम सफल नहीं हो सका। धीरे धीरे अंग्रेजों ने फिर से सभी छावनियों पर कब्जा कर लिया। जिन सैनिकों ने अत्यधिक उत्साह दिखाया था, उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। कुछ को जेलों में ठूस दिया तथा बहुतों को फांसी पर लटकाकर पूरे देश में एक बार फिर से आतंक एवं भय का वातावरण बना दिया। महिदपुर के इस संघर्ष में यद्यपि जीत भारतीय पक्ष की हुई और अंग्रेजों को मैदान छोड़कर भागना पड़ा, पर अंग्रेजों की तरह ही बड़े संख्या में भारतीय सैनिक भी वीरगति को प्राप्त हुए। आगे चलकर इस युद्ध के लिए वातावरण बनाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले अमीन सयाजीराव भी गिरफ्तार कर लिए गए। अंग्रेजों ने उन्हें देशभक्ति का श्रेष्ठतम पुरस्कार देते हुए 7 जनवरी 1858 को तोप के सामने खड़ा कर गोला दाग दिया। वीर अमीन सयाजीराव की देह एवं रक्त का कण कण उस पावन मातृभूमि पर छितरा गया, जिसकी पूजा करने का उन्होंने व्रत लिया था। भारत माता की जय।